हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास गैराज में सर्विस के लिए आई हुई है हीरो पैशन प्रो। और कस्टमर एक ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल और डिफरेंट प्रॉब्लम है, और काफ़ी जो है डिफरेंट मैकेनिक भाइयों को वो दिखा चुके हैं, बट ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल नहीं पा रहा है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, कस्टमर जो परेशान है इसके स्पीडोमीटर से प्रॉब्लम जो हो रहा है इससे परेशान है। इन्होंने काफ़ी समय जो है इसका यहाँ पर जो मीटर पिनियन लगा होता है उसकी रिप्लेसमेंट करवा लिया है, केबल का करवा लिया है, फिर भी इसका डिजिटल स्पीडोमीटर जो काफी डिफरेंट तरीके से कंपनी रिकमेंडेड डिजाइन किया गया है ये वर्क नहीं करता है। तो आप सभी मैकेनिक भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं ज्यादातर जो है BS6 की गाड़ियों के ऊपर फोकस करता हूं और उनकी नॉलेज जो है आप तक पहुंचाता हूं। तो अभी देखिए BS4 में भी एक ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिला जो मैंने सोचा कि आप सभी मैकेनिक भाइयों को मैं इसका इंफॉर्मेशन शेयर करूं। अब देखिए पता क्या करना है आपको कि क्या इसका डिजिटल स्पीडोमीटर का मदरबोर्ड खराब है, इसका ये जो निडल बना हुआ है ये खराब है, या फिर इसके अंदर आने वाले वोल्टेज की समस्या है, या मीटर पिनियन या केबल कहां से प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पैशन प्रो याद रखें डिजिटल स्पीडोमीटर वाली है। जब भी प्रॉब्लम आती है कि मीटर ना चले केबल लगाने के बाद पिनियन लगाने के बाद, तो किस तरह से चेक करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए शुरू करना है, सबसे पहले आपको इसके मीटर से इग्निशन को ऑन करना है और ये देखना है कि ये जो निडिल है इग्निशन को ऑन करने के बाद इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे देखिए अभी मैंने इसके इग्निशन को ऑफ करके जैसे ही ऑन किया तो ये देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है, 0 to 140 पर जा रहा है कंप्लीट, इसका जो है 140 तक इसकी रीडिंग जो है पहुँच रही है। तो इससे पता ये चलता है कि इसका जो मदरबोर्ड है इसका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ से क्या है कि इसका जो डिजिटल स्पीडोमीटर खराब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये यहां से कोई भी इसके अंदर रीडिंग ऊपर नीचे नहीं जाता तो उस कंडीशन में माना ये जाता कि इसका मीटर खराब हो चुका है। अब हमें चेक क्या क्या करना है, देखिए यहां पे एक सेंसर यूनिट लगा होता है, ये देखें ये जो सेंसर यूनिट है इसी का काम होता है कि यहां पे जो कंप्लीट एनालॉग सिस्टम को डिजिटल वाय में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर यहां पे पिनियन लगा हुआ है और यहां से मैनुअल जो इसके केबल के थ्रू इस सेंसर यूनिट के पास जाता है और ये इसको डिजिटल में कंप्लीट इसका रीडिंग इसके स्पीडोमीटर तक शेयर करता है। क्या पार्ट नंबर है, कितना प्राइस है, कैसे चेक करना चाहिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। और अदर मैकेनिक भाइयों ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए शुरू करते हैं, इसके इस फ्रंट वाले व्हील को ओपन करके पिनियन चेक करते हैं, केबल चेक करते हैं, कहां से प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे इसके मैंने व्हील को ओपन करने वाला ही था, जैसे कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं व्हील को आप ओपन मत कीजिए क्योंकि उसमें सिर्फ जो है टाइम वेस्ट होगा, जो आप काम करने वाले हैं जैसे केबल और पिनियन का वो मैंने ऑलरेडी करवा लिया है। अब देखिए इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या सही में इसका केबल और पिनियन नया असेंबल किया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम व्हील को मूव करेंगे और देखेंगे यहाँ पे रोटेशन दिखना चाहिए, जो केबल वाला एरिया है इस पे रोटेशन दिखना चाहिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए मैकेनिक भाइयों, इसके अंदर जो कस्टमर का कहना है वो एकदम सटीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है इसके अंदर लगा चुका है केबल और पिनियन, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको रोटेशन दिख रहा होगा। फिर से एक बार जोर से मूव करते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके, ये देखिए। अब यहाँ पे क्लियर क्या हुआ, दो चीज हमारा क्लियर हो गया कि इसका मीटर सही का पिनियन सही है, इसका केबल सही है और इसके मीटर असेंबली जो है मदरबोर्ड वो एकदम सटीक है। अब प्रॉब्लम हो कहां से सकता है, या तो इसके इनपुट वोल्टेज में समस्या है या फिर इसके वायरिंग में समस्या है। टेस्टिंग कैसे करना है चलिए बताएंगे, क्योंकि आपके पास कभी ना कभी गैरेज में गाड़ी पहुंच गई और इस तरह से आपको सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू बताऊंगा। तो अब क्या है कि बात कर लेते हैं इस सेंसर यूनिट के बारे में, जहां पे उसका जो है मैनुअल प्रॉब्लम को डिजिटल वे में यहां पे आगे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सेंसर यूनिट के अगर पार्ट नंबर की बात किया जाए, प्राइस की बात किया जाए, तो वो कंप्लीट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। और इसके अंदर 3 वायर है, कहां से आता है, कहां पे जाता है और क्यों वर्क नहीं कर रहा वो बताते हैं। तो इसका जो नाम है वो है स्पीड सेंसर असेंबली। क्या नाम है, जब भी अगर आप कहीं पे भी खरीदने जाएं तो क्या इसे बताएंगे, स्पीड सेंसर असेंबली। पार्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो कंप्लीट 377000KWA830। फिर से आप पार्ट नंबर सुने, 7377000KWA
830 स्पीड सेंसर असेंबली। प्राइस की बात किया जाए तो 600 से 700 रुपए में ये कंप्लीट यूनिट आपको मिल जाएगा, और इसके बैक साइड में एक QR कोड होता है जिसको स्कैन करके आप इसकी कंप्लीट जो है पता कर सकते हैं कि सेम गाड़ी का है या नहीं। बट उस ओर हम नहीं जानते हैं, जाते हैं हमारे मैकेनिक भाइयों को कंफर्म करवाते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने वायर हैं, 3 वायर हैं। क्या क्या काम करता है, तो ये देखिए जो ग्रीन कलर का वायर है, तो ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये है हमारा अर्थ का वायर, बॉडी अर्थ। जब इसे हम बॉडी के साथ कनेक्टिविटी देंगे मल्टीमीटर से तो बीप का साउंड आना चाहिए। दूसरा ये जो ब्लैक कलर का वायर है, इस पे कंप्लीट बैटरी टू इग्निशन से फ्यूज बॉक्स होते हुए 12 वोल्ट की सप्लाई आती है इसके सेंसर को वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो वायर है व्हाइट प्लस ब्लू कलर का, ये इसके स्पीडोमीटर में सिग्नल प्रोवाइड करता है कि हमारी गाड़ी का जो व्हील का रोटेशन और गति, कितने स्पीड में व्हील मूव कर रहा है वो इस वायर के थ्रू पे जाता है। अगर आपको अभी तो प्रूफ चाहिए होगा कि कहाँ पे जाता है, तो देखिए इसका जैसे वायरिंग डायग्राम तो स्क्रीन के ऊपर आपको हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बट प्रूफ के तौर पर अगर देखें तो देखिए क्या आया, व्हाइट प्लस ब्लू। कहाँ आया, इसके स्पीडोमीटर को वर्किंग के लिए आया व्हाइट प्लस ब्लू कलर का। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आप चलिए टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखें सेंसर को वर्क करने के लिए यही सेम वायर इधर से आता है। अब चेक कैसे करना है, बहुत समय क्या होता है कि ग्राउंड अगर वीक हो गया तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी में जो है स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता है। कहाँ पे सेटिंग किए, बीप वाले पे इसको सेटिंग किए। एक वायर यहाँ पे इस ग्रीन वाले वायर पे हम टच करेंगे और दूसरा वायर इसके ग्राउंड से टच करेंगे और इसके अंदर बीप बजना चाहिए। ये देखिए बीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, यानी इसका ग्राउंड एकदम सटीक वर्क कर रहा है, पहला चीज आप याद रखें। दूसरा क्या है कि हमेशा आप लोग जो सोचते हैं ब्लैक का वायर या फिर रेड वायर ये इसके 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए होगा, बट ऐसा नहीं। क्या है कि बहुत समय आपको रेड ऐसा वायर नहीं, सिर्फ ब्लैक वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पे स्पीडोमीटर को वर्क करवाने के लिए इग्निशन को ऑन करने के बाद, जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला वायर है इसके अंदर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो सब में आपको वोल्टेज चेक करना है। देखिए 20 वोल्ट में मैंने सेट किया। अब यहाँ पे एक जो ब्लैक वाला टर्मिनल है इसके अंदर हमें एक निडल का एक जो मल्टीमीटर का वायर लेना है, सॉरी रेड वाला टर्मिनल लेते हैं, सिंगल हैंडेड है, थोड़ा सा टफ है, इतनी परेशानी हो रही, थोड़ा सा एक लाइक मार दीजिए आप। ये मैंने यहाँ पे इसका एक वायर ले लिया, दूसरा इसको ग्राउंड देते हैं। ये देखिए ये होता है लाइव प्रूफ। क्या आपको वोल्टेज रीडिंग देखने को मिल रहा है, कंप्लीट 12 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, किस पे, ब्लैक वाले वायर पे। तो यानी पता ये चला कि इनपुट वोल्टेज सही है, बॉडी अर्थ सही है। एक चीज की गलती हो जाती है कब, जब हम लोग इस वाले वायर पे चेक नहीं करते, सोचते हैं ये वायर हमारा आउटपुट जा रहा है, बट स्पीडोमीटर को वर्क करने के लिए इस पे 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो चलिए इस पे देखते हैं कि 5 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं, कौन से वायर पे, व्हाइट प्लस ब्लू वाले वायर पे। तो इस पे मैंने एक वायर ले लिया व्हाइट प्लस ब्लू वाले वायर पे, और दूसरा वायर क्या कर देंगे, ग्राउंड पे दे देंगे। 5 वोल्ट समथिंग आना चाहिए। तो देखिए लगभग 5 वोल्ट का करंट इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए पता ये चला कि सभी हमारा इनपुट वोल्टेज सही है, आउटपुट सारा सही है, यहाँ पे जो 5 वोल्ट का आना चाहिए वो सही आ रहा है, 12 वोल्ट का सही आ रहा है, बॉडी अर्थ सही है। तो देखिए प्रॉब्लम है कहाँ से, तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आता है इन सारे वायरिंग हार्नेस को चेक करने के बाद, इस चीज को जरूर से जरूर चेक करें, जो हमारे मैकेनिक भाई इसे चेक नहीं करते हैं। ये सेंसर यूनिट इसका फॉल्टी है, जो काफी समय हमारे मैकेनिक भाई घबरा के छोड़ देते हैं गाड़ी को और चेक नहीं करते हैं। चलिए यही सेम सेंसर यूनिट कोई और अदर बाइक से ओपन करते हैं और चेक करके दिखाते हैं लाइव प्रूफ। तो अभी आपने क्या देखा, इसके सारे इनपुट सही हैं। अब इसके सेंसर न्यू आप जब भी लगाने की कोशिश करें तो नया परचेज ना करें, आपके पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी है तो आप लगा के चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट अगर नया परचेज करते हैं तो काफी कॉस्टली भी है, हो सके खराब ना हो, तो उस कंडीशन में आप जो है आपको काफी ज्यादा खासा नुकसान हो सकता है। तो देखिए मैंने अभी एक और अदर जो रनिंग गाड़ी था उससे मैंने ओपन किया ताकि टेस्टिंग कर सकें, क्योंकि कभी कभी देखिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कभी भी कुछ भी रीडिंग बता सकता है, फिर भी जब इतना करेक्ट रीडिंग हमें सारा चीज का एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो सारे वोल्टेज की चेकआउट करने के बाद मैंने इसको पूरी तरह से असेंबल कर दिया है और इसका कनेक्शन अभी साइड कर दिया है ओल्ड वाले का। अब चलिए इसके व्हील को मूव करते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर चलता है या नहीं। अब कनेक्शन लेने के बाद इसकी व्हील को हम जो है घुमाएंगे, मैं आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है, अब थोड़ा सा स्पीड से रन करते हैं ताकि आपको और प्रूफ के साथ दिखा सकें।
ये देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी हमारी रनिंग होने लगी, तो इससे पता ये चला कि हमारा ये जो यूनिट है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसको जैसे मैंने असेंबल किया तो वर्क करना शुरू हो गया। तो मैकेनिक भाइयों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज मिला हो, इनपुट वोल्टेज को कैसे चेक करना है, सेंसर यूनिट को कैसे चेक करना है। और आपको अगर बताते चले हैं तो मैं अभी जो है इसके लिए केबल भी परचेज कर रखा था और पिनियन भी परचेज कर रखा था, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर केसेस में। बट अगर सारा चीज़ आपने चेक कर लिया है फिर भी अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तब इसे जाके आप रिप्लेसमेंट करें। इसका पार्ट नंबर प्राइस आपको जो कम्प्लीट स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।